हम लोग जा रहे हैं कराची, और ये देखें अब हम लोग सीपे पे चढ़ रहे हैं। हमारे ये गांव से बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से हम लोग को जल्दी पहुंच गए। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, सक्कर जाएंगे और सीधा हमारी गाड़ी जाएगी टापर टाप। 12 hours later हम लोग पहुंच गए कराची। हमारा सारा सामान है और हम लोग वेट कर रहे हैं नादिर मामू का, वो आ जाए। ये हमारी बस थी, इसमें हम लोग बैठ के सफ़र करके रवाना कराएं, लेकिन बहुत ही बोरिंग सफ़र था, बहुत ही बोरिंग पीपल्स थे। हाफ आवर लेटर हम लोग फाइनली कराची घर में पहुंच चुके हैं और अब हम लोग अपना कर रहे हैं नाश्ता, जो नाश्ता लाए हमारे मामू। वो कैसा लग रहा है, हम लोग कराची आ गए वापस? तीन चार दिन आपने हमें मिस किया, कैसे आपका सफर गुजरा हमारे बगैर? उस तो फिर रोला, तभी वो मैसेज करके, हाँ फिर कब आ रहे हो, हाँ कितनी देर है, फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 6 बजे तक जागा हूँ, आंखों से भी लग रहे, नशा ही लग रहे हो। तो अभी नान बोल रही हूँ, वहाँ पे नान छोले खाते थे ना, तभी नान पराठे छोले और चाय इज रेडी। देखिए हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, हम सो गए थे, टाइम हो रहा है तकरीबन 4 का। ये किचन ही खोला, अभी मामू ने भी सामान ला के दिया है, चिकन चावल अभी हम लोग बना रहे हैं आज के खाने में पुलाव। तो अब बस इसको हम लोग इसी तैयारी करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं क्या जो लोग क्या बना रहे हैं, मतलब के वो तो फिर बता दें क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। माय मीन्स देखिए हमारा सारा सामान रेडी हो चुका है और हम उन्होंने तैयारी रख दिया है, बस कुकिंग करेंगे। देखिए फाइनली हमारा खाना रेडी हो चुका है, पुलाव और ये देखिए सलाद, रायता, और ये है हमारा छोटा सा दस्तरखान। बस अब हम लोग अपना खाना स्टार्ट करते हैं। बस अब हम लोग अपना सूटकेस को कर रहे हैं अनबॉक्स, इससे पहले अपने कपड़े निकाल लिया। रीड स्टॉप फिर लव ब्लैक बडीज पास लगा ब्लैक बडीज। हाय अल्लाह अकबर, अपनी ब्लैक बडीज। तो अब ये बाहर निकालते हैं, अभी चलो अपनी चीजें उठाओ, अपने कपड़े निकालो जल्दी से अपने कपड़े निकालो। ये क्या बात है, निकालो अब, ये वाला मेरा सूट हो गया मामा। और लगा है कपड़े भी खराब नहीं करो बेटा, पागल है, शराब से निकाल के कबर में डालो। सबके कपड़े बाहर आ चुके हैं, अब इनको डालेंगे अलमारियों में। सूटकेस पूरा खाली हो चुका है, ये 4 दिन के ट्रिप के लिए पूरा सूटकेस लेके गए थे। वी आर पाकिस्तानी ब्रो, पूरे वलीमे के कपड़े लेके गए थे। ये सारे जो कपड़े रखे हुए ये किसी ने भी नहीं पहने, ये अनयूज़ है, ये वाले सारे कपड़े अनयूज़ हैं, ये वाला ड्रेस बिल्कुल अनयूज़ रखा हुआ है, और यूज़ इतने थोड़े से किए पर के पूरा सूटकेस गए थे। और अपनी तुमने क्या क्या यूज़ किया, अपनी भी तो बताइए, पढ़ने के लिए लेके गई थी, आपने क्या पढ़ा? तो मैंने नहीं पढ़ा ना, क्योंकि इसमें सब लिख के पढ़ना था, मैं अभी पढ़ूंगी, बस 5 दिन है, 5 दिन में मैं बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तुम क्यों वो छुपा रही हो भाई, अब जो ओरिजिनल कलर है वही ओरिजिनल है। पानी भी लेकर आना मेरे लिए, अजीब हो तो होगा सबसे, मुँह छुपा रही है भाई। फेस वॉश निकालो, शैम्पू निकालो, फट गया है, फाड़ दिया अपनी अपना जोर सारा उसमें डाल के। हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमारी बन रही है यहाँ पर चाय। देखे फ्रिज खाली किए, इतने सारे बर्तन निकले, इसको साफ करना है और स्टोकरी में रखना है। अभी हमारी चाय बनती है, फिर नाश्ता मंगवाते हैं, इनसे नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा नाश्ता आ चुका है, अब देखिए मामू लेकर आए बाहर से हमारे लिए हलवा पूरी, क्योंकि आज हमने सोचा कि आज हम लोग हलवा पूरी का नाश्ता करें। और ये चाय मैंने बनाई है, अब हलवा पूरी मामा डिश आउट कर रही हैं, और फिर आपके बाद उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। इसकी फाइनल लुक क्या है, ये पूरियाँ हो गई, ये पराठा हो गया, ये हलवा हो गया, और अमरी ने एक प्लेट और ले आओ, काफ़ी क्योंकि ये 2 साल है ना, मिक्स करें, काफ़ी है ये, काफ़ी है बेटा। आप इस ये छुपाने का क्या मकसद, ये असली चेहरा है, अब आप सही लग रही हो, फिल्टर लगा दूंगी तुम्हारे फेस पे, फिल्टर का कमाल है ना, वैसे भी धोखा है वैसे भी। बस अब हम ऐसे डिश आउट करती हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइस देखिए हमारे नाश्ते की फाइनल लुक कुछ इस तरह की है, डिश आउट हो चुका है और इन लोगों ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। भुखड़ इतने, कोई भुखड़ क्या बताओ, मजे मजे से खा रहे, सबको दिखा के यम्मी। ऐसे मेरे मामू ने भुट्टे डाले, वो भाग गए डर के लाइट से, कितने मजे से खा रहे हैं, उसे कभी देखे नहीं है। भुखड़ लालची कैसे, मतलब लड़ रहे भी हैं, खा रहे भी हैं बेटा, ये
शॉपिंग भी की है ना, तो ना कि